हेलो दोस्तों, आज मैं नया दिखा रहा हूँ प्रदीप बनाने का। ये है सॉल्यूशन, पंचर बनाने का गंध है। इसको मैंने ये पंचर ढक्कन है, ढक्कन को सुराख करूँगा, सुराख ही कर दूँगा, ये सुराख करूँगा, सुराख करके इसको सुराख करने के बाद इसमें ट्यूब का जो नज़ल है वायर सूची वाला है, इसको मैंने इसमें डाल दूँगा। थोड़ा सा इसको सेफ्टी कर लियो, थोड़ा पीट पाट के थोड़ा मजबूत हो जाएगा इसको, जो ऊंचा नीचा है ये ठीक हो जाएगा। आप इसको ठोकने के बाद ये जो पुरानी वाली ट्यूब है, इस ट्यूब का खराब ट्यूब है, इसको जो ये सूची है ये वाला खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसमें जो है सुराग इसमें डाल दूंगा, ये वाला जो है बनाया इसको भी डाल दूंगा इसमें। इधर तक घुस नहीं रहा तो इसको थोड़ा सा बड़ा घुमा दो, इसको तो बड़ा हो जाएगा, इतना ताकत नहीं है, सब कमजोरी है। बस इसको डाल दिया, डालने के बाद ऐसी एक वाल ले लो, वाल सेट जो है चक्के वाला लोहे का, वो लोहे का डाल दो। डालने के बाद जो नाट खुला था वो नाट इसमें डाल दो। ये नाट को टाइट कर दो, ये जो है इसको नाट को लगा दिया, इसको लगा के टाइट कर दिया, इसे टाइट कर दो। कस के टाइट कर देने से इसमें तेल नहीं निकलेगा, तेल अब आग नहीं लगेगा, लगेगा इसमें। इसमें लगने के बाद इसको लग ढक्कन लगा दो, चाहे इसमें चाहे इसमें लगा दो, इसमें लग जाए आराम से, इसमें लगा दिया। लगाने के बाद इसी फॉल्स नाट जो है ऊपर वाला नाट, वाल रोकने वाला, ये नाट को इसमें लगा दो। तो ये बन गया प्रदीप, ये चिराग बन गया, चाहे चिराग बोलो चाहे प्रदीप बोलो बन गया। ये जो नाट नाट लगा दिया, इसको टाइट कर दिया, करने के बाद इसको प्रदीप बना दिया। बनाने के बाद इसमें धागा धागा लगा दो। दोस्तों पूरा वीडियो देख लियो, देखने के बाद अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दियो।